एंड बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इन कोल्ड कंडीशन एनिलीन इज डाई एजोटाइज एंड देन ट्रीटेड विद एन एन डाइमिथाइल एनिलीन टू गिव अ कलर प्रोडक्ट दे रहा है। तो स्ट्रक्चर बताने कलर प्रोडक्ट की इन चार ऑप्शन में से कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। कोल्ड कंडीशन थी एनिलीन को पहले डाई एजोटाइज किया फिर उसके बाद उसे ट्रीट किया एन एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ और फिर उसने कलर दिया था अपना डार्क कलर सॉल्यूशन दिया था एजोडाइड जो थी वो दी थी। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास डाई एजोटाइजेशन। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन में क्या होता है कि हम क्या करवाते हैं कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये एक टाइप के केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हम एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट करें डाई एजोनियम साल्ट में। एरोमेटिक अमाइन कन्वर्ट डाई एजोनियम साल्ट। एरोमेटिक अमाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं डाई एजोनियम साल्ट में और ये टेम्परेचर इसके लिए भी टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में किया जाता है। और ये कैसे होती है कोल्ड कंडीशन पर है क्यों है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करती है। कोल्ड कंडीशन में इसलिए की जाती है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करती है। तो ये हमारी थी डाई एजोनाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। पहले हमारे में होता है डाई एजोटाइजेशन होता है एनिलीन का। तो फर्स्ट जो स्टेप है इस रिएक्शन का वो है स्टेप फर्स्ट डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। इसमें क्या होता है कि हमने एनिलीन को ट्रीटमेंट करवाना है किसके साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ और HCl के साथ और वो भी कोल्ड कंडीशन पर 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर करवाएंगे। तो हमें मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर हम इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखें तो जैसे कि हमारे पास बेंजीन है बेंजीन की रिंग है यहाँ पे हमारे पास NH की 2 है प्लस में हमारे पास NaNO2 है प्लस HCl है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री क्योंकि एक टेम्परेचर कोल्ड क्लाइमेट में रखना होता है कोल्ड एरिया में कोल्ड टेम्परेचर देना है। तो कोल्ड टेम्परेचर पर हमें मिल गया है यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस में NaCl और वाटर ये हमें मिल गए। तो ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है अब इसको ट्रीटमेंट करवाएंगे कपलिंग रिएक्शन। सेकेंड स्टेप है हमारा सेकेंड स्टेप है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है उसको मैंने ट्रीट करवाना है किसके साथ। यहाँ पर हम ट्रीट करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो जैसे हम इसके साथ ट्रीट करवाएंगे हमें अपना एक प्रोडक्ट मिलेगा डेट इज पैरा डाई मिथाइल अमाइनो एजो बेंजीन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक एजो डाई भी कही जाती है एजो डाई होती है। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है सबसे पहले हम ये देखते हैं क्योंकि यहाँ पर बेंजीन की रिंग है तो बेंजीन की रिंग में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया प्लस में यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे है एन एन डाई मिथाइल। तो दो मिथाइल के ग्रुप पे यहाँ पे अटैच है एनिलीन। जैसे ही ये होता है तो इसमें HCl रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा इसे क्या बोल रहे हैं पैरा एन एन डाई मिथाइल
एमाइन, एजोबेंजीन, ये वाली स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर हमारी मैच कर रही है इस वाले टर्म से, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा जो कि एक एजो डाई है, ये है एजो डाई, ये हमारी बनती है जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, एक डी पैरा डाई मिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, और डाई एजोटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारी टोटल ओवरऑल रिएक्शन है, उसका कलर प्रोडक्ट निकलता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।